जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरी न्यू वीडियो में। तो हम पहुंच गए हैं फिर से एक बार जानकी वन में। तो ये जानकी वन आप कैसे आ सकते हैं, आपकी टिकट की प्राइस क्या होगी, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। एंट्री फी कुछ नहीं है भाई, अंदर आप कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं, वो आपको एंटर करना पड़ेगा, आप कहां से आ रहे हो वो लिखना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। देखो ये खूबसूरत गार्डन है। देख सकते हो दोस्तों ये कैसे फ्लावर है सभी। और यहाँ पर है हमारे रियल बाहुबली श्री हनुमान जी महाराज, और माता सीता को प्रणाम करते हैं। ये स्टैचू आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस गार्डन के बारे में जनरल बातें आपको बता देता हूँ कि ये गार्डन पड़ता है वघई में। वघई से करीबन 22 किलोमीटर दूर है और सूरत से करीबन 95 किलोमीटर दूर है। डांग जिले में उन्नई माता के मंदिर के पास, उन्नई माता का मंदिर यहां से है करीबन 5-6 किलोमीटर दूर। ये गार्डन भी बिल्कुल रोड के साइड में ही है। आप जब भी सापुतारा जाओ तो इस गार्डन की मुलाकात अवश्य लेना। एक बात आप जरूर याद रखें, ये गार्डन सुबह 6 बजे खुल जाता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। और हर मंडे को ये गार्डन बंद होता है, तो आप मंडे को छोड़कर कभी भी आ सकते हो। दोस्तों ये गार्डन माता जानकी के नाम पर पड़ा है, तो प्लीज़ जो लोग लवर लोग आते हैं तो इसमें गलत काम ना करें। इसमें बहुत सारी भगवान की प्रतिमा भी है, जैसे कि राम की है, वाल्मीकि की है, माता जानकी की है और हनुमान जी की है। तो प्लीज़ आप गार्डन में आओ तो मर्यादा में रहो। इस गार्डन में अनेक जाति के पेड़ है और पेड़ पर लिखा हुआ होता है कि पेड़ का नाम क्या है और ये पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं और इसका उपयोग क्या है, ये सभी पेड़ पर लिखा हुआ होता है। तो आप अपने हिसाब से पढ़ लेना और देख लेना। ये लिखा है बिली वन। संत वाल्मीकि अभी मानसून का टाइम है तो ये गार्डन और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है।
तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर लोग वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने ही आते हैं, क्योंकि ये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट गार्डन है। आप यहाँ पर अच्छी तरह की फ़ोटो खींच सकते हो। इस गार्डन में आपको कहीं भी थोड़ा सा भी कचरा नहीं दिखेगा, तो प्लीज़ आप भी कचरा मत फेंकना और ये गार्डन को बिल्कुल साफ रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों ये गार्डन घूमने में करीबन आपको लगने वाला है आधा से एक घंटा। इस गार्डन में अनेक सारी वनस्पति है जिसके नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और कितने सारे पक्षी हैं उसके नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये गार्डन बहुत ही अच्छा है, ज़्यादातर लवर्स आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, तो आप भी कभी इस गार्डन में ज़रूर आना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव।